नमस्कार, मैं दिनेश और आप देख रहे हैं EIM न्यूज। कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुबह वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि NCP अध्यक्ष शरद पवार की सुबह की शपथ ग्रहण समारोह के लिए सहमति थी। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। आखिरकार NCP प्रमुख शरद पवार ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। शरद पवार पुणे में है। चिंचवड़ के उपचुनाव के प्रचार के लिए शरद पवार पुणे आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। शरद पवार ने कहा, सुबह सुबह शपथ ग्रहण समारोह के जरिए सरकार बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक फायदा ये हुआ कि राज्य में राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस ने? कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने सुबह के शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र किया था और बताया था कि इस बारे में शरद पवार के साथ उनकी बातचीत हुई थी। उन्हें पता था कि हम शपथ लेने वाले हैं। उनके सहमति से ये सब कुछ हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने धोखा दिया। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि जब राजनीति में विश्वासघात होता है तब चेहरा देखते नहीं रह सकते। देवेंद्र फडणवीस के खुलासे के बाद शरद पवार को इस बारे में पूछा गया था। उस वक्त शरद पवार ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस झूठ का पक्ष ले रहे हैं। अब जानते हैं कि 23 नवंबर 2019 को वास्तव में क्या हुआ था। 23 नवंबर 2019 को किसी को कानो कान खबर लगे बिना देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एक रात में अचानक हुए इस घटनाक्रम से सभी हैरान थे, लेकिन शरद पवार अगले दो दिनों में सभी विधायकों को वापस ले आए, इसलिए सरकार गिर गई। इस बारे में तब भी शरद पवार से पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। देवेंद्र फडणवीस के बयान से पहले ही शरद पवार ने इस मुद्दे को टाल दिया था, लेकिन आज शरद पवार ने कहा है कि शपथ ग्रहण से एक ही बात अच्छी हुई, राष्ट्रपति शासन हटा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए EIM न्यूज़।